वेलकम मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने देखा सुना है कि कंस्ट्रक्शन साइट, रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस या अन्य प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क में क्रेन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि साइट पर इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि एक सिग्नल मैन क्रेन ऑपरेटर को बोलकर या वॉइस सिग्नल से सिग्नल नहीं दे सकता, इसलिए हैंड सिग्नल अपनाया जाता है। साथ ही हैंड सिग्नल के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिग्नल मैन अपने हाथों के द्वारा ही सिग्नल दे देता है। इस वीडियो में ओसा OSHA स्टैंडर्ड के हैंड सिग्नल की चर्चा करेंगे, जो सारी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। साथ ही रिगर इंटरव्यू में सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए रिगर इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग हैंड सिग्नल के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए हैंड सिग्नल के पार्ट के नाम को जान ले जिनका उपयोग इस वीडियो में किया जाएगा, जैसे थंब, हाथ का अंगूठा। इस चित्र को देखें, ये हाथ का अंगूठा है। फोर फिंगर, तर्जनी अंगुली, ये तर्जनी अंगुली है। फोर आर्म, बांह का निचला भाग। फिस्ट यानी कि मुट्ठी, एल्बो यानी कि केहुनी। तो इन हैंड पार्ट्स का यूज हम लोग इस वीडियो में करेंगे, इसीलिए इसको याद रखें। इस वीडियो में हम लोग 20 हैंड सिग्नल की चर्चा करेंगे, जैसे पहला है होइस्ट अप और हुक अप, इसको हाबिस का सिग्नल भी कहा जाता है। विथ फोर आर्म वर्टिकल, फोर फिंगर पॉइंटिंग अप, मूव हैंड इन ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्किल, बांह की कलाई को वर्टिकल रखते हुए तर्जनी उंगली के ऊपर की ओर रखकर क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है। चित्र को देखें और याद करें। दूसरा सिग्नल है होइस्ट अप स्लोली स्लोली, यानी लोड को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। मित्रों, लोड को धीरे धीरे ही होइस्ट या हाविस करना चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं। यूज वन हैंड टू गिव एनी मोशन सिग्नल एंड प्लेस अदर हैंड मोशनलेस इन फ्रंट ऑफ हैंड गिविंग द मोशन। अर्थात एक हाथ से कोई सिग्नल देते हैं तथा दूसरे हाथ को पहले हाथ के सामने स्थिर रखते हैं, तो इसका मतलब कि सिग्नल स्लोली स्लोली का है। इस चित्र के द्वारा और स्पष्ट से समझ सकते हैं। तीसरा हैंड सिग्नल है होइस्ट डाउन या हुक डाउन, इसको अरिया भी कहा जाता है, यानी लोड को डाउन करने का सिग्नल। विथ आर्म एक्सटेंडेड डाउनवर्ड, फोर फिंगर पॉइंटिंग डाउन, मूव हैंड इन ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्किल, हाथ को नीचे की तरफ कर तर्जनी उंगली को नीचे की ओर रखते हुए हाथ को छोटे वृत्ताकार में घुमाया जाता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। चौथा हैंड सिग्नल है स्लोली स्लोली होइस्ट डाउन, यानी लोड को नीचे की ओर मूव कराना है, अर्थात अरिया करना है धीरे धीरे। यूज वन हैंड टू गिव एनी मोशन सिग्नल एंड प्लेस अदर हैंड मोशनलेस इन फ्रंट ऑफ हैंड गिविंग द मोशन सिग्नल। जैसा कि इसके पहले दूसरे नंबर वाला सिग्नल में बताया गया है, एक हाथ से कोई सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे हाथ को पहले हाथ के सामने स्थिर रखा जाता है, तो वह स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे का सिग्नल हो जाता है। चित्र को देखते जाए। पांचवा सिग्नल है मित्रों
बूम अप या बूम राइज का अर्थात बूम को ऊपर की ओर उठाने का सिग्नल है। आर्म एक्सटेंडेड फिंगर क्लोज्ड एंड थंब पॉइंटिंग अपवर्ड अर्थात हाथ को क्षैतिज फैलाकर चारों उंगलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर दिशा में रखा जाता है, जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग ऑफ अवेयरनेस इज बेटर देन लर्निंग ऑफ अवेयरनेस। छठा सिग्नल है बूम अप स्लोली या बूम को ऊपर की ओर धीरे धीरे मूव कराना। यूज वन हैंड टू गिव एनी मोशन सिग्नल एंड प्लेस अदर हैंड मोशनलेस इन फ्रंट ऑफ हैंड गिविंग द सिग्नल अर्थात बूम अप के सिग्नल के ऊपर दूसरे हाथ को चित्र के अनुसार रखने पर बूम धीरे धीरे ऊपर जाएगा। सातवां सिग्नल है बूम डाउन सिग्नल या इसी को बूम लोअर सिग्नल भी कहा जाता है। यह बूम अप सिग्नल का उल्टा है अर्थात इसमें बूम डाउन होता है। आर्म एक्सटेंडेड फिंगर क्लोज्ड एंड थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड हाथ को क्षैतिज में फैलाते हुए उंगलियों को बंद कर अंगूठे को नीचे की दिशा में रखा जाता है। चित्र में देखें आठवां सिग्नल है बूम डाउन स्लोली यानी बूम को धीरे धीरे डाउन कराना है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर स्लोली का सिग्नल देखा ठीक उसी प्रकार बूम डाउन सिग्नल में दूसरे हाथ को नीचे लगा देने पर बूम डाउन स्लोली स्लोली सिग्नल हो जाता है। चित्र में देखें नौवा सिग्नल है स्विंग राइट यानी लोड को दाहिने तरफ मूव कराना है। आर्म एक्सटेंडेड पॉइंट विद फिंगर इन राइट डायरेक्शन ऑफ स्विंग ऑफ बूम हाथ को क्षैतिज में फैलाकर दाहिने तरफ उंगली से इशारा किया जाता है। दसवां सिग्नल है लोड को बाईं तरफ लेना यानी स्विंग लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड पॉइंट विद फिंगर इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ स्विंग ऑफ बूम हाथ को क्षैतिज में फैलाकर बाएं तरफ उंगली से इशारा किया जाता है, तो यह लोड को बाईं तरफ ले जाने का सिग्नल हो जाता है। चित्र में देखें ग्यारहवां सिग्नल है रिट्रैक्ट बूम अर्थात टेलीस्कोपिक बूम को छोटा करना। चित्र में देखें ये टेलीस्कोपिक बूम है। बोथ फिस्ट इन फ्रंट ऑफ बॉडी विथ थंब्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर वन हैंड सिग्नल मे बी यूज्ड दोनों मुट्ठी के सामने कर अंगूठे को एक दूसरे के तरफ रखने पर रिट्रैक्ट बूम का सिग्नल होता है। चित्र में देखें बारहवां सिग्नल है एक्सटेंडेड बूम यानी टेलीस्कोपिक बूम को बड़ा करना। बोथ फिस्ट इन फ्रंट ऑफ बॉडी विथ थंब्स पॉइंटिंग आउटवर्ड वन हैंड सिग्नल मे बी यूज्ड दोनों मुट्ठी को सामने कर दोनों अंगूठे को बाहर की तरफ रखने पर एक्सटेंडेड बूम का सिग्नल होता है। इसको एक हाथ से भी दिया जा सकता है। चित्र के अनुसार देखें तेरहवा सिग्नल है यूज ऑफ मेन हुक मित्रों जब दो हुक से हो तो बड़े वाले को मेन हुक तथा छोटे वाले को एक्सिलरी हुक कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं मेन हुक का हैंड सिग्नल। टाई फिस्ट ऑन हिप देन यूज रेगुलर सिग्नल्स अर्थात मुट्ठी को सिर के ऊपर करने पर क्रेन ऑपरेटर समझ जाता है कि सिग्नल मैन मेन हुक मांग रहा है। चौदहवां सिग्नल है यूज ऑफ हिप लाइन यानी एक्सिलरी हुक टैप एल्बो विथ वन हैंड देन यूज रेगुलर सिग्नल एक हाथ को केहुनी के पास रखने पर एक्सिलरी हुक का सिग्नल होता है यानी एक्सिलरी हुक चाहिए। पंद्रहवां सिग्नल है ट्रेवल वन ट्रैक अर्थात एक ट्रैक को मूव कराना है।
lock the track on side indicated by raised fist. Travel opposite track in direction indicated by circular motion of other fist rotated vertically in front of body for crawler canvalli. बंद मुट्ठी वाले हाथ जो ऊपर उठा रहता है उस साइड का ट्रैक नहीं मूव करेगा तथा दूसरे हाथ के मुट्ठी को सामने कर तथा इसको वर्टिकल रोटेट कराकर एक ट्रैक को मूव कराया जाता है। चित्र को ध्यान से देखें, सामने वाला मुट्ठी जब अपनी तरफ रोटेट करेगा तो ट्रैक आपके तरफ मूव करेगा जैसा चित्र में देख रहे हैं। अब देखिए रोटेशन चेंज हो गया, अब ट्रैक पीछे की तरफ मूव करेगा। 16वां सिग्नल ट्रेवल बोथ ट्रैक्स यानी दोनों ट्रैक्स को मूव कराना है। यूज बोथ फिस्ट इन फ्रंट ऑफ बॉडी मेकिंग ए सर्कुलर मोशन अबाउट ईच अदर इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर क्राउलर क्रेन वनली। दोनों मुट्ठी को सामने रखकर दोनों को एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है। ध्यान से देखें चित्र को, दोनों ट्रैक अपनी तरफ मूव कर रहा है क्योंकि मुट्ठी का रोटेशन अपनी तरफ है। अब देखें दोनों ट्रैक दूर मूव कर रहा है क्योंकि मुट्ठी का रोटेशन बदल गया है यानी उल्टा हो गया। 17वां सिग्नल है लोअर बूम एंड राइज्ड लोड अर्थात बूम डाउन होगा साथ ही लोड अप होगा। आर्म एक्सटेंडेड फिंगर्स क्लोज थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स अदर आर्म विथ फोर आर्म वर्टिकली फोर फिंगर पॉइंटिंग अपवर्ड इन रोटेट हैंड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। यह दोनों हाथ से एक साथ सिग्नल दिया जाता है। एक हाथ को हॉरिजॉन्टल सीधा कर उंगलियों को बंद कर अंगूठा को डाउनवर्ड कर दिया जाता है तथा दूसरे हाथ को केहुनी से ऊपर की ओर सीधा कर तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर रोटेट कराया जाता है। चित्र को देखें, इस सिग्नल को एक हाथ से भी इस चित्र के अनुसार दिया जाता है। चित्र को देखकर समझते जाए। 18वां सिग्नल है राइज बूम लोअर लोड सिग्नल। इसमें बूम को अप करके साथ साथ लोड को डाउन किया जाता है। आर्म एक्सटेंडेड फिंगर क्लोज्ड थंब पॉइंटिंग अपवर्ड अदर आर्म बेंट स्लाइटली विथ फोर फिंगर पॉइंटिंग डाउन एंड रोटेट हैंड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। इसमें एक हाथ को हॉरिजॉन्टल सीधा कर उंगलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर की तरफ इंगित किया जाता है तथा दूसरे हाथ को नीचे की तरफ थोड़ा बेंड कर तर्जनी उंगली को डाउनवर्ड सर्कुलर रोटेट कराया जाता है। चित्र को देखकर समझें। 19वां सिग्नल है मित्रों स्टॉप सिग्नल अर्थात क्रेन एक्टिविटी को स्टॉप करना। बोथ आर्म आउटर स्ट्रेच्ड एट द साइड हॉरिजॉन्टली फिंगर्स आउटर स्ट्रेच्ड दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टल फैलाकर उंगलियों को भी सीधा कर रखा जाता है जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो यह स्टॉप सिग्नल होता है। 20वां सिग्नल है हॉग एवरीथिंग। इसका मतलब होता है लंच का टाइम हो गया है। क्लास्प हैंड्स इन फ्रंट ऑफ बॉडी अर्थात दोनों हाथों को सामने की तरफ एक साथ रखा जाता है। चित्र को देखकर समझते जाएं। एक बात याद रखें मित्रों, इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल कोई भी दे सकता है अर्थात किसी को यह दिखाई पड़े कि क्रेन का एक्टिविटी से खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वह इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।